आप लिनक्स में कमांड लाइन से पब्लिक आईपी अपना कैसे जान सकते हैं? जैसे यहाँ पे अगर हम कमांड देते हैं तो यहाँ पे हमको लिस्ट आउट करके दिया, ये मेरा आईनेट आईडी है जो इंटरनल आईपी हुआ, इस सिस्टम का इंटरनल आईपी हुआ। लेकिन अभी अभी इस मशीन का इंटरनेट का आईपी क्या है, जैसे कि पब्लिक आईपी जिसको बोलते हैं कोई भी सिस्टम का, जब आप इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं तो उसको कैसे कमांड लाइन से जाना जा सकता है। तो कमांड लाइन से जानने के लिए यहाँ पे कुछ कमांड लिस्ट आउट करके रखे हैं, डीप प्लस शॉर्ट माई आई पी डॉट ओपन डी एन एस डॉट कॉम, एक DNS रिजॉल्वर है जो यूज होगा, और रिजॉल्वर वन ओपन डी एन एस का है जो इसको यूज करके आप जान सकते हैं कि पब्लिक आई पी आपका क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका जानना चाहें कि पब्लिक आई पी क्या है, तो अभी देख सकते हैं कि पब्लिक आई पी यहाँ पे लिस्ट हो गया पब्लिक आई पी। तो ये डिफरेंट कमांड है जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ये ओपन है। अगर आप थर्ड पार्टी यूज करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी में भी है, कर्ल चेक आई पी डॉट अमेजोन AWS डॉट कॉम, इससे भी आई पी लिस्ट होगा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आई पी लिस्ट करके दे दिया सेम आई पी। तो इस तरह से आप कर्ल इफ कॉन्फिग डॉट मी, ये भी लिस्ट करके दिया आई पी को, यहाँ पे लिस्ट करके दिया है आई पी। एक है होस्ट मेथड, तो होस्ट मेथड से भी आप आई पी देख सकते हैं। अगर इसको लें होस्ट माई आई पी डी ओपन डी एन एस डॉट कॉम एंड रिजोल्वर ले रिजोल्वर वन डॉट ओपन डी एन एस डॉट कॉम, तो ये भी यहाँ पे आई पी दे दिया। यहाँ पे देख रहे हैं माई आई पी ओपन डी एन एस हैज एड्रेस दिस वन, तो इस मशीन का आई पी एड्रेस दे दिया। और भी जो यहाँ पे कमांड लिस्टेड हैं जैसे कि टी एक्स टी रिकॉर्ड से भी आप आई पी जान सकते हैं। जहाँ पे अगर नॉर्मली होता है कि ब्राउजर है तो ब्राउजर से तो हम सर्च कर लेते हैं कि वर्ड्स में आई पी, जैसे ही मारते हैं तो गूगल रिजॉल्व करके देता है गूगल डीएनएस। लेकिन अगर क्या हो, आप कमांड लाइन से आपको एक सर्वर का आई पी फाइंड करना है, वहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है तो उस केस में ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिग टी एक्स टी प्लस शॉर्ट ओ हाइफन ओ डॉट माई एड्रेस डॉट वन एल डॉट गूगल डॉट कॉम, इससे रिजॉल्व किया जा रहा है गूगल के नेम सर्वर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी इस वजह से भी आईपी मिल जाएगा। और थर्ड पार्टी में जो भी आपको है यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कर्ल से कर्ल करके वहाँ पे आईपी देख सकते हैं। तो ये एक इजी मेथड है जहाँ पे आपका इंटरफेस नहीं है कोई आईपी देखने के लिए, तो वहाँ पे ऐसे आईपी एड्रेस देख सकते हैं, पब्लिक आईपी फाइंड कर सकते हैं किसी भी सिस्टम। Subscribe the channel and press the bell icon for latest updates.